हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पीरियड हाइजीन रूटीन कैसा रहता है। तो सबसे पहले कैमरा सेट कर दिया है कि अच्छे से रिकॉर्ड हो, सब कुछ एक एक पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सुबह उठ करके पहले तो अमायरा को बहुत सारा प्यार करती हूँ, चाहे कोई सा भी दिन हो। उसके बाद आज मेरा सेकेंड डे है पीरियड का, सो आज मैं सेकेंड डे पे शूट करूंगी। पहले जब मेरा सेकेंड डे होता था तो बहुत पेन होता था। आप कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन से डे में ज्यादा पेन होता है। मैं सबसे पहले मेंस्ट्रुअल कप अपना चेंज करूंगी जो रात को मैंने यूज किया था। सो जितना भी रात को कलेक्ट हुआ था ब्लड वो सब मैं सिंक के अंदर डाल देती हूँ, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद गर्म पानी से धोना होता है। यहाँ नलके में मेरे गर्म और नॉर्मल दोनों पानी आता है, तो मैं गर्म पानी से यहीं धो लेती हूँ। आप चाहो तो किसी भी कंटेनर के अंदर भी डिप करके धो सकते हो। एक डिस्क्लेमर, ये मेंस्ट्रुअल कप का रियल ब्लड नहीं था, ये रेड फूड कलर था, आपको बस डेमो के लिए मैंने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पंच डाउन मेथड यूज कर रही हूँ एंड देन इसको इंसर्ट कर देती हूँ अपनी वजाना के अंदर पिंच करके इस तरीके से। एंड ट्रस्ट मी गर्ल्स, मेंस्ट्रुअल कप ने लाइफ बहुत आसान बना दी है। कोई भी लीकेज का और रैशेस का डर और झंझट नहीं होता है। पेट में दर्द ना हो इसीलिए थोड़ा सा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल के अंदर मिला करके, नॉर्मल कोकोनट ऑयल में मिला के बेली के ऊपर लगा देती हूँ, उससे आपके पेट में दर्द नहीं होता है। एक बार मेंस्ट्रुअल कप अंदर दोबारा इंसर्ट करने के बाद मैं फ्री हो हूँ बाकी का काम करने के लिए, जैसे कि अपने आप को हाइड्रेट करती हूँ, अपना पानी पीती हूँ एक बोतल भर करके। उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय के लिए आप एक पैन के अंदर सिर्फ एक गिलास पानी डालेंगे एंड 2 चम्मच सौंफ डालेंगे, फेनल सीड इसको कहते हैं। एंड ये पीरियड्स के दिनों में आप सुबह सुबह ये वाला चाय पियोगे, मैं लिख के दे रही हूँ, आपके पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्रैम्प्स, दर्द, परेशानियां होती है ना, सब दूर हो जाएंगी। बहुत इफेक्टिवली ये काम करता है। पीरियड क्रैम्प्स आधे घंटे के अंदर गायब, उससे भी पहले गायब हो जाते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के उबाल के छान के पी लो। फेनल सीड बहुत एक्टिव हर्ब होता है जो ट्रीट करता है इरेगुलर पीरियड्स को, बैलेंस करता है, हार्मोन्स को प्रमोट करता है, ओवुलेशन को। आप ये चाय डेली भी पी सकते हो, लेकिन पीरियड वाले दिन पियोगे ना, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपको पीरियड्स में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। चाय पीने के बाद थोड़ी सी मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे वेजिटेबल्स ले लिया है और उसको ओट्स के अंदर मिला करके वेजिटेबल ओट्स बनाने वाली हूँ। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, ओट्स टॉप फूड होता है हम महिलाओं के लिए। जब हमारी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन चल रहे होते हैं ना, तो ओट्स जरूर खाया करो। इसके अंदर बहुत ज्यादा जिंक, मैग्नीशियम होता है जो कि क्रैम्प फाइटिंग विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो आपको पेन कम होता है एंड पीरियड्स काफी इजीली चले जाते हैं। पूरा बोल भर के खाती हूँ, हेवी है, न्यूट्रिशियस है एंड फिलिंग है। उसके बाद मेरा वर्कआउट का टाइम हो जाता है। प्लीज रेगुलर डेज में भी वॉक करो, पीरियड्स में भी वॉक करो। हमें थोड़ा लेथार्जिक सा फील होता है, लेकिन ट्रस्ट में अगर वॉक करते हो ना तो बॉडी में अपने आप एनर्जी आ जाती है एंड पूरा दिन अच्छा जाता है। लीजी फील मत करना। एंड गाइस यहाँ मैं कुछ योगा आसन आपके लिए मेंशन कर रही हूँ, आप प्लीज इसको एक बार ट्राई जरूर करना। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा आपको। स्पेशली बटरफ्लाई पोज वाला एक्सरसाइज जरूर करना, इसे पेल्विक रीजन में आपको बहुत हेल्प मिलता है, रिलीफ करता है स्टिफनेस को। जो पेन होता है ना आपके स्टमक में, बैक में, हिप्स में ड्यूरिंग पीरियड्स, वो सब ठीक हो जाएगा। बटरफ्लाई पोज, चाइल्ड पोज, कैट पोज, काउ पोज, ये सारे ऐसे एक्सरसाइजेस है ना जो आपके पीरियड फ्लो को बहुत अच्छा कर देता है। इरेगुलर पीरियड्स नहीं रहेंगे। एंड ये सब मैंने जब से ट्राई करना स्टार्ट किया है, पीरियड्स मेरे लिए मतलब अब तो नॉर्मल डेज ही है, कुछ भी दर्द भरा नहीं है एंड बहुत रिलीफ फील होता है। आप ये सारे आसन जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप पूरा वीडियो देख सकते हो यार, यूट्यूब पे बहुत सारी आसन वगैरह की वीडियो है, आप देखो उसके बेनिफिट। एंड लास्ट शवासन, एकदम आराम से रिलैक्स रेस्ट करो। 8 बजे ओट्स खाए थे, 10 बजे मिड ब्रेकफास्ट की छोटी सी भूख लग जाती है, तो उसमें मैं यहाँ पे बनाना एंड नट्स ले रही हूँ। पीरियड्स के दिनों में बनाना खाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हाई इन फाइबर होता है एंड इसके अंदर पोटेशियम होता है जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है एंड क्रैम्प्स दूर जाते हैं। नाउ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में सबसे पहले और सबसे ज्यादा खाना मुझे पसंद है सैलेड। हाँ, मैंने स्विच कर लिया है सैलेड पे। खाना खाने के पहले सैलेड खाने का जरूर मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक तो इससे एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है, इसके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है एंड बहुत टेस्टी भी होता है यार। सैलेड को जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, वैसे आप बनाओ। पहले तो आप एक खीरा ले लो, उसको अच्छी तरीके से छील लो और ऊपर और पीछे से इस तरीके से आप उसे गोल गोल करते हैं ना, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट हाँ उसका जो वो तीखा पार्ट होता है ना, कड़वा पार्ट, वो निकल जाता है। उसके बाद बारीक आप काट लो। मैंने यहाँ पे पहले खीरा काटा है, उसके बाद यहाँ पे गाजर लिया है, लेटस ले लो, प्याज ले लो एंड देन अच्छी तरीके से उसको कटोरी में डालने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर नींबू डाल दो एंड थोड़ा सा चाट मसाला या थोड़ा सा नमक डाल दो। बहुत टेस्टी लगता है सैलेड। आप ऐसे सैलेड खा करके देखना, आपको बहुत यम लगेगा लंच में। देन यहाँ पे मैं आंवला की चटनी बना रही हूँ। आंवला को उबाल करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके और इसके अंदर थोड़े से मैंने और चीजें डाली है। पूरी फुल रेसिपी मैं आपको व्लॉग चैनल पे आपको दिखाऊंगी, नहीं तो ये पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बट यम्मी बनता है ये आंवला। एंड आंवला भी बहुत अच्छा होता है, है पीरियड्स के दिनों में खाने के लिए। इनफैक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आंवला आप अपने पीरियड्स के सेकंड डे पे खाते हो ना, तो इसके अंदर जो विटामिन B1 एंड B2 होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है पीरियड्स के दिनों में जो क्रैम्प होता है ना उसे निजात दिलाने में। छोले में होते हैं विटामिन B6 जो की पीरियड्स में क्रैम्प में रिलीफ दिलाने में हेल्पफुल होता है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा चावल, छोले, सैलेड एंड आंवला की चटनी एंड छाछ। बटर मिल्क इज ऑल्सो गुड फॉर डाइजेशन। सो ये मैं लंच करती हूँ। मतलब बेसिकली लंच बहुत सिंपल होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। स्पेशली पीरियड्स के दिनों में स्पाइसी फूड आप अवॉइड कर सकते हैं, बाकी जो मन वो आप खा लो, नेचुरल चीजें खाओ, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, बाहर का जंक फूड, तला हुआ, वो सब आपको अवॉइड करना चाहिए। नाउ फाइनली हमारा आराम से सो गई है एंड अब मेरे पास भरपूर टाइम है अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट करने का। सर यहाँ मैंने अपनी डायरी खोल ली है और इसके अंदर मैं सारे नोट्स बनाती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने से पहले मैं उसके बारे में लिखती हूँ, रिसर्च करती हूँ और सोचती हूँ बहुत ज्यादा। कभी कभी वीडियो का टॉपिक मुझे 1 घंटे में समझ में आ जाता है, कभी एक दिन, कभी 2 दिन, कभी हफ्ते हफ्ते समझ नहीं आता। एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम टू मेक वीडियोस। मतलब सिर्फ कैमरा उठाए वीडियो बनाया ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन होता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या उठाऊँ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे सजेस्ट करना आप कौन कौन से टॉपिक्स और देखना चाहते हो। एंड बहुत सारे चैनल हो गए हैं, तो सबके ऊपर वर्क करना, एक्टिव रहना, शॉर्ट्स वगैरह बनाना, टाइम तो बहुत ज्यादा उसमें लग जाता है। ऑल दो रेखा पी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर जाकर के देखना। अमेजिंग कंटेंट वहां पर भी मैं डाल रही हूँ। एंड मैंने स्क्रिप्टिंग आज तो कर ली, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मुझे क्या शूट करना है। तो फटाफट से मैंने ड्रेस चेंज की, अपना शूट स्टार्ट किया एंड शूट फिनिश होने के बाद फटाफट से SD कार्ड निकाल करके जो भी वीडियो शूट किया है उसको लैपटॉप के अंदर ट्रांसफर कर देती हूँ, नहीं तो वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, मुझे ट्रैक रहे कितनी वीडियो शूट हुई है, कितनी गई है, कौन से कब जानी है। सो बहुत ज्यादा काम होता है। कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम में काम क्या करते हो, तो भाई बहुत काम होता है 24 घंटे में से, तो अभी मैं क्या ही बताऊँ, बहुत होता है गाइस, बिल्कुल एक भी संडे नहीं मिलता मुझे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको एक्टिव रहना है थ्रू आउट द डे। पीरियड्स है तो इसका मतलब ये नहीं पेट पकड़ के बैठ गए और रेस्ट कर लिया। ठीक है, मैं हॉट वाटर बैग भी यूज कर लेती हूँ, कभी कभी लगता है कि हाँ पेन हो रहा है, सो ये यूज कर लो, आपका पेन गायब कर देता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है, 2 मिनट में गर्म हो जाता है एंड बहुत ईजी होता है। वो जो पहले आता था ना पानी गर्म करो यूज करो, बहुत टास्क वाला था, ये काफी ईजी होता है। ऑल्दो मुझे ये यूज करने की अब जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ स्टाइल, खान पान सब चेंज कर दिया है मैंने। पहले मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड वगैरह भी खा लिया करती थी, बट अब नहीं खाती। एंड अभी ये शाम को स्नैक्स में दोबारा से भूख लग जाती है, तो 4 बजे मेरा स्नैक्स होता है, तो इसके अंदर मैं खा रही हूँ मसाला डोसा। अब ये मसाला डोसा वेजिटेबल से अंदर भरा हुआ है, मसाला नाम में है, अंदर कोई मसाले नहीं है, सिर्फ डोसा नॉर्मल जैसे आप बनाते हो ना वैसे ही बनाना है एंड अंदर बहुत सारे वेजीज डाल देना। अभी मैं आपको उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। हमारा उठ जाती है इतने में ही, तो हमारा को भी अपने साथ बिठा करके मैं यहाँ पे डोसा खिला रही हूँ, उसका मूंग दाल डोसा है विद चटनी। सो ये मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ वेजीज है, अंदर कोई मसाले नहीं है। तो जितने भी वेजिटेबल्स मुझे नजर आ रहे होते हैं, मुझे सही लगते हैं कि डाल देना चाहिए, तो डाल दिया। अच्छा, कौन से फूड आपको अवॉइड करना चाहिए पीरियड्स के दिनों में? जितने भी स्पाइसी फूड है, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा मीठा, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, ये पीरियड्स के दिनों में स्पेशली आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वैसे ही आपका योर स्टमक इज ऑन फायर, और ऐसे खाओगे तो सही। जैसे आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपना रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं पीरियड्स के दिनों में क्या खाती हूँ। हमारा आपको बहुत कम दिख रही है, क्योंकि मैंने सोचा हमारा को भी दिखाऊंगी, खुद को भी दिखाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारा का रूटीन मैं व्लॉग चैनल पे दिखाऊंगी विच इज मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। सो बहुत जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी हमारा पूरे दिन भर में क्या खाती है, बेबी फूड घर पे, हम घर का अच्छा न्यूट्रिशियस कैसे बनाते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारा ने घर की हालत क्या कर रखी है, हर जगह टॉयज, हर जगह कपड़े। बहुत ताना मारते थे आप लोग, दीदी बच्चा आ जाए तो फिर घर आपका ऐसा नहीं रहेगा, सच में बहुत मैसी रहता है। ऑल्दो अब हमने अपनी ड्रेसेस चेंज कर ली है, हम लोग नाइट सूट में आ गए हैं। मैं आपको ना मेरे बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं स्कूल डेज में थी तो मेरे पीरियड्स के दिनों में इतना बुरा हाल होता था ना कि स्कूल में मैं पापा को फोन करके बुलाती थी कि पापा आओ और मुझे घर लेकर के जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सभी बच्चों के सामने उठ करके मैं घर जाया करती थी और कानाफूसी होती थी क्लास में कि हाय ये पीरियड्स का दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती। सच में बहुत पेन होता था। और मेरे से कितनी लड़कियाँ रिलेट करती हैं, कॉमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जब से मैंने ये हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया है, खान पान में चेंजेस किए हैं, आसन वगैरह जब से करने लगी हूँ, मेरी लाइफ पहले से काफी स्मूथ हो गई है। प्लस मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद तो पीरियड तो नॉर्मल डेज जैसे ही रहते हैं। आप ये वाले हैक्स ट्राई करना, अपनी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करना एंड देन सी डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड अभी रात के डिनर की तैयारी होगी। सो डिनर 7 बजे तक कर लेती हूँ मैं। प्लीज आप लोग ये चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश जरूर किया करो। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, एक बार जरूर ट्राई करना। एक बार नहीं, मतलब आपको थोड़ा ट्राई तो करना पड़ेगा। सो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका वेट लॉस ही होगा या पीरियड्स में दर्द कम होगा, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कर सकते हो तो कर लेना ट्राई। सो यहाँ डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। तो डिनर में मल्टीग्रेन चपाती के साथ पालक पनीर इसलिए क्योंकि इसके अंदर है विटामिन के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल रिलैक्स करने में ड्यूरिंग क्रैम्प्स, और स्पिनिच के अंदर ये भरपूर मात्रा में होता है। एज योर बॉडी अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर आयरन लेवल अप गाइज। आयरन लेवल अप रखने के लिए पालक खाओ, ठीक है, हरी सब्जियां खाओ, पालक के अंदर पनीर भी डाल दिया तो और भी टेस्टी यम्मी बन गया है। ऐसी और भी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं जिससे मेरी पीरियड्स वाली लाइफ बहुत ईजी हो गई है। सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी अगर आप कमेंट करो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू, बाय गाइस।